ठीक है, छोटे को लाके आपने अपने पैरों पे मारी है कुल्हाड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जैसी ट्रिक खेल रहा है, वो जैसी गेम खेल रहा है, तो उसके व्यूज़ जो हैं आने वाले दिनों में बहुत अप होने वाले हैं आपसे ज़्यादा, जो मुझे लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो आज का थोड़ा सा सीन पीछे से चेंज है, क्योंकि मंदिर का दरवाज़ा खुला है, पूजा अभी होके हटी है, तो माइंड मत करना, मैं कल वाली कुर्ती में ही हूँ, लेकिन उनके जैसे नहीं जो चार दिन से एक ही अपनी वीडियो में चार चार वीडियो अपलोड कर रही है, लेकिन एक ही कुर्ती में है। मैं कुर्ती जब चेंज करके आती हूँ आप लोगों के सामने, मैंने पहले भी बोला है, मैं कुर्ती जो है ना वीडियो बनाने के टाइम चेंज कर लेती हूँ, अदरवाइज जैसे कि सबको पता है घर में सब लोग कैसे रहते हैं, लोअर और टी शर्ट में, मैं भी वैसे ही रहती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं हाँ घर के शिफ्टिंग के लिए थोड़ा सा गई थी, फिर वापस आ गई आप लोगों के सामने, लेकिन लेट आई हूँ। तो आज के मेरे वीडियो को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है, क्या एक लाइक और एक शेयर बस। तो चलिए लेट ना करते हुए अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, क्लिक बेट टाइटल, मैंने पहले भी बोला है, क्लिक बेट टाइटल जो है बड़े यूट्यूबर से ही हम लोगों ने सीखा है। तो ये क्लिक बेट टाइटल कौन यूज़ कर रहा है, दिन में दो दो वीडियोस भी आ रही हैं, दीदू की पहाड़ों की रानी खूबसूरत, खैर खूबसूरत की रानी के दो दो वीडियोस आ रहे हैं, मैं समझ में नहीं, मेरे को तो एक चीज़ समझ खैर कभी नहीं आती इन लोगों की, कि एक तो शिफ्टिंग का और दूसरा साथ ही साथ इतना मसरूफ होने के बावजूद ये लोग वीडियो तो बनाते ही हैं और एडिट करके अपलोड भी कर देते हैं। आपके सामने है मैं कितनी मसरूफ हूँ, लेकिन मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं है। खैर, ये वो लोग हैं जिनको मल्टीटास्क मिलते हैं, वो बहुत इजीली से निभा लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ऑलराउंडर हैं भाई वो, आई है छोटू, तो भैया उसके भी आ रहे हैं दो दो डेली के व्लॉग, क्या उसको सरदार ने परमिशन दे दी? मुझे ऐसा लगता है कि उसको सरदार ने परमिशन दे दी कि भैया चल अब डॉलर पे डॉलर छाप ले तू क्लिक बेट टाइटल डालते हुए, क्योंकि डिंपल को बनाना है बेवकूफ। और हाँ, थोड़ा सा सच्ची में मैं उसके टाइटल को देख के बन भी गई, ज़्यादा मसरूफ होने की वजह से मैंने उसकी वीडियो नहीं वॉच करी, लेकिन उसका क्लिक बेट टाइटल जो था किसके लिए, पुत्तन के लिए चली गई ससुराल, नहीं वो नहीं गई, कल उसको बोला था आ जाओ वापस आ जाओ जल्दी से, हमारा दिल नहीं लग रहा है। अच्छा जी, तो वही मैं सोचूं कि सावन को काला दिन कहने वाले ये कैसे चले गए, और वहाँ हो रही हैं बहुत एंजॉयमेंट, घूमी घूमी, मैंने भी सोचा मुझे भी व्यूज़ नहीं आ रहे तो मुझे भी घूमने चले जाना चाहिए, लेकिन मैं तो यहाँ से वहाँ शिफ्ट ही हो जाऊँ बस इतना ही बहुत है, और भगवान से अपने दिल की शांति मांग रही हूँ और कुछ नहीं। चलिए, थोड़ा हंसी मजाक भी ज़रूरी था इसलिए मैंने थोड़ा बोल दिया, लेकिन क्लिक बेट टाइटल के साथ आज जो है जो पहाड़ों की रानी हमारी बहुत खूबसूरत, उसने तो शुरुआत से ही क्लिक बेट टाइटल रखे हैं, और आज का जो उसका टाइटल था वो बहुत पछता रही हैं, सच में पछता रही हैं, सच में कि टाइटल ही ऐसा था, उसका टाइटल ऐसा था, फिर उसके बाद उसने उस टाइटल को चेंज किया, लेकिन मेरी फैमिली मेंबर ने, बहुत अच्छे अच्छे फैमिली मेंबर हैं मेरे साथ जुड़े हुए, उन्होंने SMS मुझे भेज दिया कि इसके बदलने से पहले ही हमारे पास भी उसका एक प्रूफ होना चाहिए कि देखिए कि ये क्या गेम खेलती हैं, थोड़ी देर बाद वो टाइटल चेंज करती हैं व्यूज़ के चक्कर में, और व्यूअर्स को बनाती हैं बेवकूफ़ की दूसरों को लगे अरे नई वीडियो आ गई इनकी, ऐसे ही कुछ है ना। तो वहाँ चल रही हैं कुछ चलाकियाँ किसको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन जो भी है सब लोगों के चारों के व्यूज़ हो गए हैं गेन, और ये गेम इनको पहले से पता थी कि हम लोगों को अगर व्यूज़ हमारे डाउन गए हैं तो फिर से हम लोग इसको अप कर लेंगे, कैसे करेंगे वो क्लिक बेट टाइटल के थ्रू, ठीक है। सो मेरा क्लिक बेट टाइटल होता है तो मैं इन्हीं लोगों से सीखा है, तो ये सबका चलता ही है, अब देखते हैं जल्दी आने की जल्दी किसको है पहाड़ों की रानी खूबसूरत, इसको है। तो उधर जो खलारा डाल रखा है दुनिया ने, दुनिया का जो मैंने पहले से ही, जो मेरे डेली के व्यूअर्स हैं मेरे साथ, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि मैंने क्या बोला था, मैंने पहले से बोला था कि उस फैमिली में भी कुछ जल्दी ही चलने वाला है, जो कि चल चुका। क्या किसने स्टार्ट किया? डकारू ने। डकारू बहुत मतलब सही बात है, उसने कहा ना पॉलिश करके लाओ, सही बात है,
उसने बहुत अच्छे से गेम खेलनी स्टार्ट करी। तो एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि उसकी अपने पापा के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत मतलब दिख भी रही है, ठीक है। उसने अपने पापा के लिए बोला भी था कि वो ड्रिंक करते हैं, अरे चलिए उसके पापा ड्रिंक करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो 90% लोग जो हैं वो ड्रिंक करते हैं, लेकिन कुछ मैंने कल भी बोला जेंटल लोग होते हैं जो खाना खाने के सॉरी ड्रिंक करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन कुछ हल्ला हंगामा भी करते हैं। तो बिन पिए इस टाइम पे हल्ला हंगामा कौन कर रहा है सबको पता है, दुनिया। मैंने कल के परसों के वीडियो में बोला था 4-5 मिनट बाद जो तुम्हारा कम्युनिटी चेंज होता है, तुम्हारी वो स्टेटमेंट चेंज होती है, तो वो सब मत करो, ठीक है। लेकिन जिस पापा ने इतना सपोर्ट किया, लेकिन तुमने भी बहुत सपोर्ट किया उन लोगों को, जब तुम्हारा चैनल ग्रो हुआ तुमने उन लोगों के भी साथ ही में चैनल बनाए, लेकिन तुम कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे लगता है बार बार हर्ट होती हो अपनी मम्मी को लेके, ठीक है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करी, ठीक है ना, मम्मी पापा हैं, पापा लोग हैं, अगर उन्होंने करी तो बच्चे तूने बड़े मन में लगा ली, और तुमने क्या किया, तुमने कम किया, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उनको, ठीक है। और तुम्हारे भाई ने तुम्हें मुंह लाल और तुम्हारे भाई ने तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा कि जो अपने व्यूअर्स को ऐसे ऐसे आंसर दे रहे कि वो से। लेकिन एक चीज़ उसकी मुझे जहाँ पे प्लस पॉइंट लगा कि कुछ चीज़ें ऑफ कैमरा ही अच्छी लगती हैं, घर की बातें जरूरी नहीं है, तुम एक एक चीज़ एक एक चीज़ तुम बिल्कुल सोशल मीडिया पे ही खोल के रख दिया तुमने। उससे क्या हुआ, तमाशा तुम्हारा बना है, तुम्हारी फैमिली वालों का नहीं। जो सिंपैथी तुम गेन करना चाहती हो वो उनके लिए हो गए, तुम्हारे पापा के लिए, कि वो इस उम्र में भी इतने परेशान हो गए। लेकिन जहाँ तक तुमने उसको बोला पापा जी ये करना, वो कहते ठीक है पापा जी, वो करना है वो ठीक है। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा भी याद है तो मैंने कहा था क्या ये वो वाला भाई तो नहीं जिसने 2000 देने को मना कर दिया था, है ना। जी हाँ, ये वो वाला चाहे भाई ना हो, लेकिन बड़ा भाई भी इसने बोला कि मैंने बड़े भाई के लिए बोला था। बहन जी, आपने किसी भाई के लिए नहीं बोला, आपने सिर्फ भाई वर्ड यूज़ किया है, उसमें ना बड़ा ना छोटा, बड़ा भाई तो कभी आपकी वीडियोस में आया ही नहीं, ठीक है। छोटे को ला के आपने अपने पैरों पे मारी है कुल्हाड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जैसी ट्रिक खेल रहा है, वो जैसी गेम खेल रहा है, तो उसके व्यूज़ जो हैं आने वाले दिनों में बहुत अप होने वाले हैं आपसे ज़्यादा, जो मुझे लगता है, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो अलग अलग जगह से घूमना दिखाना जो पब्लिक देखना चाहती है, पब्लिक जो है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है, वो देखना नहीं चाहती, पब्लिक हैप्पी व्लॉग देखना चाहती है। तो आपको भी पता है ना वो चल रहा है जो उधर भी सीन कुत्तन के यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे हैप्पी व्लॉग स्टार्ट हुए तो व्यूज़ भी गेन हो गए उनके, अप हो गए। तो वही चीज़ें आने वाले टाइम में अगर तुम्हारा यही चलता रहा, अलग कुछ भी नहीं दिखाओगी, तो बहनियाँ तेरे साथ हम लोगों ने जो इतना सपोर्ट करके तुम्हें यहाँ तक लेके आए हैं ना, तो मुझे नहीं लगता तुम आगे फिर कुछ कर पाओगी। लेकिन एक समय था जब तुमने बोला कि YouTube से कुछ अर्निंग नहीं होती, उसका तुमने स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पर भी शेयर किया था, और आज की तारीख में तुमने मुँह से ही खुल्लम खुल्ला बोल दिया है, जो कि मैंने अपनी वीडियो में बोला था, जो कुछ भी तुम लेके आ रही हो ना ये सब YouTube से है, इवन तुमने जो घर भी लिया वो भी YouTube से है। तो जी हाँ, आज तुमने अपने मुंह से वो चीज़ कबूल ली, तो अपनी स्टेटमेंट आप चेंज कैसे कर लेती हो। एक झूठ बोलती हो साथ में, फिर वो सच, एक झूठ के भी तो 100 झूठ बोलने पड़ते, लेकिन 100 झूठ के ऊपर एक सच बहुत भारी होता है, ठीक है। तो वो जो सच आज आपने बोल दिया है ना, अब आप नेगेटिविटी कम नहीं करो, ख़त्म ही कर दो अपनी लाइफ से, तभी ख़त्म होगी। अगर अपने ये भाई जो हैं आज नहीं तो कल अपनी फैमिली के होने वाले हैं, ठीक है, तुम्हारे साथ चलो मम्मा है, तुम उनको खुश रखो, अपने बच्चे की तरफ ध्यान दो, बिजी हो जाओ, ठीक है। और हाँ, हमें भी बहुत दुख लगता था तुम दोपहर में भरी दोपहरी में तो जब तुम घूमती थी, लेकिन ऐसा नहीं है पापा ने एक बात करी तो तुमने 10 नहीं की होगी, इस बातें तुमने बोली होंगी पक्का श्योर, ठीक है। और जैसा तुम चीख चीख के रो रो के तुम दिखा देती हो वीडियोस में, सेम वैसे तुमने पापा के सामने भी किया होगा। सो नेगेटिविटी कम करो यूट्यूब से,
लोग तुम्हें देखना अगर पसंद करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़े हैं, लेकिन वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। और प्लीज़ अब मुझे रोना धोना बंद करके ना अपनी लाइफ में खुद से ही खाना बनाओ और दिखाओ, चाहे मम्मी से बनवाओ, चाहे डांसिंग प्रोग्राम रखो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। और पड़ोसियों को बुरा मत कहो, जरूर तुमने ऊंची ऊंची आवाज़ में कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया होगा कि मैं ऊपर से मतलब पता नहीं क्या कर दूंगी, तो उन्होंने फाइनली ताला लगा दिया कि कहीं ऐसा कुछ कर ना दे, ठीक है। अब तुम अपने, चाहे घर छोटा है चाहे बड़ा, जो भी है अच्छा है, तुम अपने घर में एंजॉय करो, खुश रहो, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, और खुलने वाली है पहाड़ों की रानी की बहुत सारी पोल, 1-2 दिन का टाइम दे, बहुत जल्दी मैं खोल दूंगी वो वाली पोल भी। लेकिन कल की मेरी वीडियो में ऐसा क्या होगा पहाड़ों की रानी की ओर से, दुनिया की ओर से, या फिर किसी और की ओर से, वो देखने के लिए बने रहना मेरे साथ। तो मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ।